सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका सीन हुआ है, आज सिक्योरिटी गार्ड के साथ मैनपाट जा रहे हैं आपको मैनपाट दर्शन के। ये आपके लिए मैनपाट सीरीज रहेगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, हम जितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट में हम सब वीडियोस को लाएंगे, हर जगह को दिखाएंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम पार्ट पार्ट डिवाइड बाई डिवाइड अलग अलग भागों में अलग अलग वीडियोस देखें। तो आपका सीनू भाई थोड़ा डरपोक है, इसलिए हेलमेट वेलमेट लगा लिए, बाकी हेलमेट लगाना अच्छी बात है, आई लव हेलमेट। तो हम आपको मैनपाट मिलाते हैं, फिलहाल ये मैनपाट की सारी वादियां हैं, आपको मिलाते हैं अच्छी अच्छी जगह। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, आपको मिलाते हैं सभी पॉइंट से। लव यू, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, मैं मैनपाट सीरीज आपके लाने वाला था, पर क्या करूं, यहाँ किसी के लिए मतलब किसी के यहाँ रुकने का जगह ही व्यवस्था ही नहीं बन पा रहा है। अपन घर से जाएंगे आएंगे उतना दूर से, अपने पास वैसे बजट कम है, पेट्रोल डलाना, पैदल तो नहीं आ सकते क्योंकि मैनपाट बहुत दूर है और हम 5G वर्जन है, पैदल नहीं चल पाएंगे। तो पता नहीं, देखते हैं अब किसी के यहाँ रुकने को व्यवस्था बनता है। तो मन उदास हो गया था क्योंकि किसी के यहाँ रुकने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं बन पा रहा था, और अभी भी नहीं बन पाया है। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि लाके ही रहूं मैनपाट सीरीज। हम यहाँ सुबह से भटक रहे हैं कि किसके यहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे। एक तो धूप इतना कर रखा है कि एक फुटेज हम लेने नहीं पाए, जब भी जो भी लिए फुटेज पूरा खराब हो गया। तो माफी चाहता हूँ, आज दिन भर हमारा लगभग वेस्ट जाने वाला है, बहुत दुख हो रहा है। और अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि हम कहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ रुकेंगे। शाम के 5:30 बजने जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं रही कि अपन किसके यहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे। तो जिस किसी दोस्त को मैंने फ़ोन किया, सभी अभी बाहर बाहर हॉस्टल में है, कोई कॉलेज में है, पर दोस्तों के बिना घर में थोड़ा मज़ा नहीं आता है। तो आपका सीनू भाई कोशिश करेगा कि आपको मैनपाट सीरीज लाकर ही दे, क्योंकि अब आए हैं तो खाली हाथ लौट नहीं सकते। फिर भी यहाँ से हमारा घर कम से कम 30-40 किलोमीटर हो जाता है, डेली वहाँ से अप डाउन करना, यहाँ आना जाना, पेट्रोल खर्चा। साइकिल में तो नहीं आ सकते क्योंकि मैनपाट चढ़ते चढ़ते आपका सीनू भाई स्वाहा हो जाएगा। तो पापा ने बाइक दिला रखी है, थैंक गॉड, पर बाइक में भी तेल चाहिए। रोज दिन अपन 100-200-300 कहाँ से लेके आएंगे, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि कैसे करेंगे, किसके यहाँ जाएंगे, किसके यहाँ रुकेंगे। खाना पीना तो चलो दो समोसा खा के गुजार लेंगे दिन, पर रात कहाँ गुजारेंगे, बड़ी समस्या हो है। हे गाइस, अभी कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा विचार विमर्श चल रहा है। आत्मा क्या बोलता है यार, कहीं खाना ना बना के खा सकते हैं क्या, कहीं लकड़े वकड़े जंगल का जुगाड़ होता। मैं जा रहा हूँ जंगल, मेरे को बिरयस के इंतजार कर रहा है, कीड़ा मकोड़ा खाने जा रहा हूँ, तो चल रहा है मेरे साथ। मैं क्रिकेट खाने नहीं पाऊंगा भाई, कभी जिंदगी में नहीं खाया है। अब कोशिश करेंगे जंगल में रात गुजारने पड़े तो खा लेंगे यार, क्या करेंगे। और आपका सीनू भाई थोड़ा समंजस में है, अभी थोड़ा डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। आज का दिन चला जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आज का दिन ऐसे ही चला गया। पूरा दिन धूप कर रहा था, वीडियो अपन शूट नहीं ले पाए, पूरा का पूरा फुटेज खराब हो गया। अभी शाम का समय भी ले सकते हैं, पर अभी ये सोचना है कि अपन रुकेंगे कहाँ। यहाँ से लौट जाते हैं तो फिर दोबारा कल सुबह से निकलना पड़ेगा, आने में 1 घंटा लग जाएगा। सबसे बेस्ट समय रहता है सुबह का जो मौका, वो तो बाइक में गुजर जाएगा। फिर पता नहीं फुटेज कहाँ से ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, थोड़ा दुख हो रहा है, पर कोशिश करेंगे मैनेज करने की। आपके भाई को प्यार दीजिए, वीडियो बने रहिए। तो आत्मा जंगल जा रहा है कीड़ा मकोड़ा खाने, हम भी ट्राई करेंगे कीड़ा मकोड़ा कभी ना कभी। तो बियर गर्ल्स जो भी है वही करने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, आपके सीनू भाई की रहने की बंदोबस्त मिल चुकी है। दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया था अभी कि भाई आ जाओ यहाँ रुक जाओ करके, तो थैंक यू भाई लोग मुझे बुलाने के लिए। और जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ जैसे अपन वार्षिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव मनाते हैं, ये पूरे छत्तीसगढ़ का महोत्सव है, इसे कार्निवल कहा जाता है, कार्निवल कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, भोजपुरी, मतलब सभी सिंगर एक्टर सभी यहाँ आते हैं, अपना करिश्मा दिखा के जाते हैं। तो कुछ दिन बाद मैं इस फुटेज को अभी कवर करके दिखाऊंगा, तब तक सस्पेंस रहेगा। यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे तरीके से। तो आज की रात हमारी मैनपाट में गुजरेगी, मेरे दोस्तों क्या है, मैं आपको कुछ देर बाद वहाँ जाके आपको उनसे मिलाता हूँ। तो मैनपाट में आज रुकते हैं, तो बहुत सोच मशक्क़त करने के बाद फाइनली हमारे दोस्तों ने हमें रिप्लाई दिया कि आ जाओ हमारे घर में करके। तो थैंक यू भाई लोग अपने घर में बुलाने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे वीडियोस बने रहिए। आज थोड़ा दिक्कत हुआ, थोड़ा अपन झेले झमेले हो गए, तो पूरे दिन आज का बर्बाद होने वाला था, पर जैसे तैसे हमने करके थोड़ा बहुत फोटेज ले लिया कहीं से। तो वीडियो बने रहिए, प्यार दीजिए।
लव यू। सो हे गाइस, आपके सिनू भाई को आश्रय मिल चुका है। तो ये है मेरे दोस्त रोशन के पापा जी, मतलब मेरे अंकल जी। तो थैंक यू अंकल जी मुझे अपने यहाँ बुलाने के लिए। तो आपका सिनू भाई आज मैनपाट में रहेगा। मैनपाट में से बहुत ठंडी लगती है, पर मतलब मजा आएगा एक दिन मैनपाट में रुक के देखते हैं। हमारे यहाँ तो इतना ठंड पड़ता है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है भाई। फिर भी धन्यवाद अंकल जी, अंकल जी बहुत अच्छे हैं। पर मैं संकोच कर रहा था, मेरा दोस्त नहीं था, तो बस अकेला महसूस ना कर, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा था, मतलब सोच रहा था। डर वर कुछ नहीं, पर फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ। और एक हमारे और भाई हैं, तो थैंक यू भाई हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। तो ब्लॉग तो नहीं था, पर अब टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एक दिन हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू, ब्लॉग पे बने रहिए, अपने भाई को प्यार दीजिए, लव यू। जय हिंद।